श्रद्धा ने जो कहा वही हुआ। श्रद्धा का डर सच साबित हुआ। दरअसल श्रद्धा ने आज से दो साल पहले नवंबर 2020 में पुलिस में आफताब के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफताब न सिर्फ उसके साथ मारपीट करता है बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता है। श्रद्धा ने जो आशंका जताई थी आफताब ने ठीक उसी तरह उसका मर्डर कर दिया। पुलिस को श्रद्धा की लिखी दो साल पुरानी चिट्ठी मिल गई है। दरअसल ये चिट्ठी नहीं पुलिस को दी गई शिकायत थी। ये चिट्ठी श्रद्धा ने वसई इलाके में मौजूद तुलिंग पुलिस स्टेशन को लिखी थी। चिट्ठी से साफ पता चलता है कि श्रद्धा को डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा, आज आफताब ने मुझे गला घोटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े में काट कर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मार रहा है लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा के शब्दों से बिल्कुल क्लियर है कि उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। चिट्ठी से पता चलता है कि उस दिन श्रद्धा और आफताब में जबरदस्त झगड़ा हुआ और आफताब ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। ऐसी पिटाई कि वो गला तक दबाने लगा था। यही नहीं उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने तक की धमकी भी दी थी। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पुलिस से आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा की चिट्ठी से पता चलता है कि आफताब के माता पिता को भी पता था कि आफताब और श्रद्धा एक साथ रहते हैं और आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता है। आफताब के माँ बाप अक्सर मुंबई में दोनों के घर भी जाया करते थे लेकिन सवाल उठता है कि इसके बावजूद श्रद्धा आफताब के साथ क्यों रहती रही। दरअसल श्रद्धा का एक सपना था जिसके पूरा होने का वह इंतजार कर रही थी। उस सपने ने ही उसे रोके रखा और वो सपना था आफताब से शादी का। सुनिए पुलिस को शिकायत में श्रद्धा ने आगे क्या लिखा। उसके माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द ही शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा क्योंकि वो मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा आफताब से ऊब चुकी थी, उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्यों वो आफताब के साथ रहती रही? क्यों उसने खुद जल्लाद आफताब के साथ रहना जारी रखा? इस सवाल का जवाब है ये दूसरी चिट्ठी जो उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखी थी। दरअसल आफताब के माँ बाप के समझाने के बाद दोनों में समझौता हो गया था और श्रद्धा ने 26 दिन बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। आफताब पूनावाला और मैं 2 साल से साथ रह रहे हैं। 23 नवंबर को हमारे बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत करने के बाद आफताब के माँ बाप मेरे घर आए और हमने सहमति से अपनी समस्याओं पर समझौता कर लिया है, इसलिए मैंने शिकायत वापस ले ली है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। श्रद्धा ने मर्डर वाले दिन यानी 18 मई को अपने दोस्त के साथ चैट किया था। ये चैट मौत से कुछ देर पहले की गई थी। 18 मई शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था। इस मैसेज में श्रद्धा अपने दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। श्रद्धा ने मैसेज किया, आई हैव गॉट न्यूज, I got super busy with something. श्रद्धा अपनी मौत से कुछ देर पहले अपनी दोस्त को क्या खबर देना चाहती थी? वो कौन सा काम था जिसमें श्रद्धा सुपर बिजी थी? क्या उस खबर और मर्डर में कोई रिश्ता तो नहीं? इन सवालों के जवाब अगर मिलते हैं तो इस हत्याकांड में और नया खुलासा हो सकता है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।